फिजिक्स जिंदगी की वह राह है जिस पर चलने वाला कभी थकान का अनुभव नहीं करता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक के बारे में जानेंगे। कहता है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करें, या करके इसी को दूसरे रूप में भी पूछा जाता है वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान को हम लोग IRMS द्वारा व्यक्त करते हैं और शिखर धारा या मान में संबंध स्थापित करें, या करके इसी को और दूसरे प्रकार से पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि IRMS बराबर I0/√2, जहां IRMS हमारा वर्ग माध्य मूल मान और I0 शिखर मान या शिखर धारा है। इसके लिए कहता है कि ये हमारा जो है एक प्रत्यावर्ती धारा दिखाया गया है, जो कह रहा है कि हमारा n समय तक के लिए लिया गया है। कह रहा है कि T1 समय में I1 धारा प्रवाहित हो रहा है, T2 समय में I2 धारा प्रवाहित हो रहा है, T3 समय में I3 धारा प्रवाहित हो रहा है, इसी तरह धारा का प्रवाह हो रहा है। ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा को दिखाया गया है। कह रहा है माना कि एक पूरे चक्रों में विभिन्न n समय के लिए धारा का मान क्रमशः I1, I2, I3, .. IN है, तो वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर √I1² (I2² (I3² (I N²)/(n)। पीछे हम लोग ये IRMS का हम लोग परिभाषा पीछे देख चुके हैं पिछली कक्षा में। कह रहा है यदि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = I0 sin ωt हो, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हम लोग पिछली कक्षा में देख चुके हैं, तथा ωt = θ हो, तो इस ωt की जगह पर हम लोग थीटा देंगे तो हमारा I = I0 sin θ। कह रहा है वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा से हम जानते हैं कि IRMS बराबर √I² का पूरे चक्र के लिए औसत मान। अब इस दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हमारा IRMS का वर्ग करेंगे तो हमारा IRMS² बराबर इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से हमारा ये रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा I² का पूरे चक्र के लिए औसत मान। अब हमारा IRMS का स्क्वायर बराबर I² के लिए हमारा I = I0 sin θ है, हम लोग I0 sin θ का होल स्क्वायर लिए। IRMS का स्क्वायर बराबर इसको स्क्वायर करेंगे I0 का स्क्वायर तो I0² sin का स्क्वायर तो sin²θ। अब कह रहा है कि इस पूरे चक्र के लिए हम लोग क्या करते हैं कि IRMS² बराबर समाकलन 0 to 2π I0² sin²θ d θ/0 to 2π d θ। अब कह रहा है हमारा IRMS का स्क्वायर बराबर ये हमारा जो नियत राशि है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा बचा 0 to 2π sin²θ d θ/1। एक फॉर्मूला होता है हमारा पीछे ही बता चुके हैं, समाकलन dx बराबर x होता है, इसी हिसाब से हमारा यहाँ पर है समाकलन d θ, तो थीटा होगा 0 to 2π। अब हम लोग क्या करते हैं ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं तो IRMS² बराबर I0² × इसमें हम लोग 2 से यहाँ पर गुना किए हैं, 1/2 से यहाँ पर भाग दिए हैं, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा तो जो कहते हैं हमारा बच जाएगा। कह रहा है कि I0² × 1/2 0 to 2π (2 sin²θ d θ/) ये हम लोग ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा 2π - 0। उसके बाद कह रहा है
आई आर एम एस स्क्वायर बराबर आई जीरो स्क्वायर बटे दो, ये हमारा दो इसके साथ आ गया। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस टू थीटा, और ये डी थीटा तो जो कच है उसके आगे लगा हमारा समाकलन जीरो टू टू पाई, और टू पाई में से जीरो जाएगा तो टू पाई बचेगा हमारा। अब इस डी थीटा से और इस समाकलन से हम इस दोनों में गुणा कर रहे हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई जीरो स्क्वायर बटे रूट टू, ये बड़ी ब्रैकेट है, समाकलन जीरो टू टू पाई डी थीटा माइनस समाकलन जीरो टू टू पाई कॉस टू थीटा डी थीटा और बटे टू पाई, टू पाई हमारा जो कहते हो है। अब क्या कर रहा है, आई आर एम एस स्क्वायर बराबर आई जीरो स्क्वायर बटे दो बड़ी ब्रैकेट, ये हमारा फिर से यहाँ पर हमारा डी थीटा है तो डी एक्स बराबर एक्स होता है, इस हिसाब से डी थीटा बराबर थीटा होगा जीरो टू टू पाई माइनस जीरो। जीरो क्यों लिए हम लोग कर रहे, चूंकि समाकलन जीरो टू टू पाई कॉस टू थीटा डी थीटा बराबर जीरो कर रहा है कि एक पूरे चक्र के लिए कोजया या जया का मान शून्य होता है। आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई जीरो स्क्वायर बटे दो ब्रैकेट टू पाई माइनस जीरो, ये हमारा ऊपरी सीमा है, ये निम्न सीमा है, टू पाई में से जीरो को घटाए, ये जीरो को इतना में से घटाएंगे तो हमारा इतना ही बचेगा बटे में टू पाई। आई आर एम एस स्क्वायर बराबर जीरो आई जीरो का स्क्वायर बटे दो इंटू ये टू पाई में से जीरो घटाएंगे तो हमारा टू पाई बचेगा, और ये बटा में हमारा टू पाई पहले से है, ऊपर भी टू पाई नीचे भी टू पाई से टू पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे दो। स्क्वायर को जो हम लोग बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाते हैं तो स्क्वायर रूट में बदल जाता है, आई आर एम एस बराबर रूट अंडर आई जीरो स्क्वायर बटे दो। आई जीरो का स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो आई आर एम एस बराबर आई बटे रूट दो, ये जो हमारा है जो हमारा ये सिद्ध करना था वो आया, और वर्ग माध्य मूल धारा तथा शिखर मान में संबंध है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।